नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके जीमेल पे ऑल मेल शो नहीं कर रहा है या आपका एक भी मेल शो नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके जीमेल पे एक भी मैसेज, मेल या कुछ भी नहीं शो कर रहा है तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपके फोन में नेटवर्क है कि नहीं, आपके फ़ोन में आपका नेट रिचार्ज अभी है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में नेट रिचार्ज भी है और आपके फ़ोन में प्रॉपर नेटवर्क भी है, उसके बावजूद भी आपके जीमेल पे ऑल मेल शो नहीं कर रहा है, एक भी मेल नहीं दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को स्क्रीन को आपको ऊपर से नीचे की ओर खींचना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार एरोप्लेन मोड को यहाँ से आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर से आपको एरोप्लेन मोड को यहाँ से ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन करके देखना है और चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मेल शो कर रहा है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में इतना से भी मेल शो नहीं करता है, आपको मैसेज नहीं दिखता है, तो अब आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप मैनेजमेंट इंस्टॉल्ड ऐप या ऐप्स जो भी हो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो हमारे फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट है तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको ऐप लिस्ट पे जाना है। जाने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल होंगे वह दिखने लगेगा, तो इसमें आपको जीमेल को ढूंढ लेना है। जीमेल ढूंढने के बाद अब आपको जीमेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। फर्स्ट स्टॉप करने के बाद अब आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज यूजेज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको क्लियर चेस करना है। उसके बाद आपको क्लियर डाटा भी कर देना है। यहाँ से क्लियर डाटा करने के बाद आपको बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि यह दोनों ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑफ है कि नहीं। तो आपके फ़ोन में यह दोनों ऑफ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको कट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जीमेल सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में जीमेल का अपडेट आया हुआ है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में जीमेल का अपडेट आया हुआ है तो यहाँ से आपको जीमेल को अपडेट कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन करना है। तो चलिए जीमेल ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको टेक टू जीमेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जीमेल पे जो भी मैसेज होगा वह दिखने लगेगा, जो भी मेल होगा वह दिखने लगेगा। अब आपको जीमेल पे ऑल मेल देखने के लिए आपको इस थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑल मेल्स का ऑप्शन दिखेगा, अब आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके जीमेल पे जितने भी मेल या मैसेज आए होंगे यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह से अगर आपके जीमेल पे ऑल मेल नहीं दिख रहा था, आपके जीमेल पे एक भी मैसेज या मेल नहीं दिख रहा था, तो उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।